गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू एनडी 35 चैनल। आज हम बात करेंगे तीर्थ एम्पुल टेम्पल के बारे में, जिसे पूरा तीर्थ एम्पुल भी कहा जाता है। ये एक हिंदू बैलनीस वाटर टेम्पल है और स्थित है तंपक श्रृंग में, जो बाली इंडोनेशिया में है। तंपक उस श्रृंग का मतलब क्या है बैलनीस में? तंपक इन बैलनीस मीन्स फुट, पैर, और श्रृंग का मतलब ऑब्लीक। तीर्थ एम्पुल जल मंदिर के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, आइए मैं आपको बताता हूँ। माया देनवा नाम का एक जादूगर राजा था जो बहुत दुष्ट था। इंद्र ने राजा के बुरे तरीकों को खत्म करने का फैसला किया और दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई, जिससे माया देनवा को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही इंद्र ने राजा का पीछा किया, राजा ने एक जहरीला झरना बनाया। इंद्र के लोगों ने झरने का पानी पी लिया और जहर के कारण उनकी मौत हो गई। इसे देखकर इंद्र ने अपनी लाठी धरती में गाड़ी और जहरीले झरने को शुद्ध करने वाला झरना बना दिया, जिससे उनके लोग ठीक हो गए। शुद्ध करने वाले झरने तीर्थ एम्पुल या पवित्र जल झरना के नाम से भी जाना जाता है, और जल के देवता विष्णु के सम्मान में वहां एक मंदिर बनाया गया। आइए देखते हैं तीर्थ एम्पुल टेम्पल। तीर्थ एम्पुल टेम्पल जाने से पहले हमारा एक स्टॉप ओवर था। ये स्टॉप ओवर था बाथूर प्राकृतिक गर्म पानी का झरना। अगर जय आपने माउंट बाथूर सनराइज का ट्रैक किया है, उसके बाद ये झरने में जाने का मजा ही कुछ और है। थकान के बाद गरम गरम पानी, वाह। आप सोच रहे होंगे कि इसकी एंट्री फ्री होगी? नहीं, इसकी एंट्री फीस है। अगर जे आप बड़े हैं तो आपको 1,90,000 रुपये इंडोनेशियन रुपीस देने पड़ेंगे, और अगर जे आपके पास बच्चा है, बच्चे का कॉस्ट 1,00,000 रुपया इंडोनेशियन रुपीस है। आप इसे पे करें, अंदर जाएं, गर्म पानी इंजॉय करें, टावल लें, लॉकर है, और साथ में एक वेलकम ड्रिंक आपको दी जाएगी। इंजॉय। तीर्थ एम्पुल तंपक श्रृंग की भी एंट्री फीस है 50,000 इंडोनेशियन रुपीस बड़ों के लिए और 25,000 इंडोनेशियन रुपीस बच्चों के लिए। हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, वैसे ही हर टेम्पल के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। यहाँ पे आपको शेरोंग दिया जाएगा, प्लीज़ उसे दीजिए, अपने आप को कवर करें और उसके बाद मंदिर में प्रवेश करें। तीर्थ एम्पुल टेम्पल समर्पित है भगवान विष्णु को। ये बनाया गया था वर्मा देवा डायनेस्टी ने 1962 एडी में। ये मंदिर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जबापुरा दैट इज फ्रंट यार्ड, जबाटेंगा दैट इज सेंट्रल यार्ड, एंड जेरॉन दैट इज द इनर यार्ड।
अभी हम चल पड़े इनर यार्ड में। इनर यार्ड यानी जवा टेंगा। यहाँ पे जाने से पहले आपको दो द्वारपाल मिलेंगे जो हर एक मंदिर में होते हैं, और एक गेट मिलेगा जिसे चंडी कहते हैं। अंदर जाते ही आपको तालाब दिखेंगे। ये तालाब है जवा टेंगा सेंट्रल यार्ड। यहाँ पे आपको 30 गर्म पानी की झरने दिखेंगे। इन 30 झरनों में से आप सिर्फ 28 झरनों में नहा सकते हैं। जो बचे हुए दो झरने हैं उसमें जो परिवार के लोग गुजर गए हैं उन्हीं मेंबर को उन दो झरनों में नहाना अलाउड है। यहाँ का एक सिस्टम है, हर एक श्रद्धालु एक एक करके गर्म पानी के झरने में सर झुका के नहाता है। जैसे ही पहला ख़त्म हुआ फिर वो दूसरे झरने में जाता है, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पांचवे। ऐसे कुल 28 झरने में उनको अपना सर झुका के स्नान करना पड़ता है। इससे इंसान पवित्र होता है। जैसे हम गंगा में डुबकी लगाते हैं वैसे ये भी पानी में डुबकी लगाते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। ये पवित्र झरने के बैक साइड में है तीर्थ एम्पुल टेम्पल, जहाँ पे आप पूजा भी करवा सकते हैं। ये मंदिर के सामने एक बड़ा सा तालाब है। ये तालाब से ही गर्म पानी प्यूरिफिकेशन टैंक की तरफ जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट ये देखना भूल जाते हैं। इसमें छोटी छोटी मछलियां हैं और एल्गे भी हैं। तो ये था तीर्थ एम्पुल टेम्पल, जहाँ पे गंगा बहती है, जहाँ पे लोग डुबकी लगाते हैं और पवित्र होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम बाली की रामायण देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा। Thank you.